मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है एंड आई मीन ठंड लग रही है उस टाइम इसकी वीडियो लेना भेज देना यहाँ पे लोग वीडियो ही बना रहे हैं आप देख सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं हमसे एक चीज मिली है तो मैं आप लोगों को वो चीज दिखाती हूँ वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग तो आज मैं जा रही हूँ राष्ट्रीय दलित स्मारक जो कि नोएडा में है एंड फिल्म सिटी के पास है तो मैंने वहाँ का सुना है कि वहाँ पे जो यूट्यूबर्स भी रोस्टिंग करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को जो रील्स बनाते हैं शॉर्ट्स बनाते हैं उनके उनका आई मीन अपना वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रील्स या फिर शॉर्ट्स शूट करने के लिए जाते हैं तो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैं ये काफ़ी दिन से स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे एंड ये बहुत बार मुझे दिख जाता है तो आज हम देखने वाले हैं बहुत सुंदर है तो देखना तो बनता है बॉल तो चलो चलते हैं मैं तैयार हुई और ये क्यूटू भी तैयार हो गया है तो चलते हैं एंड देखते हैं कैसा क्या है एंड अगर आप मेरे चैनल से पोस्ट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को हिट कर ले एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना आपका सपोर्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में तो इसको बहुत लोग मायावती पार्क भी बोलता है एंड मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि यहाँ पे सब वीडियो शूट करने के लिए आता है चाहे वो यूट्यूबर्स हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो तो आते सब बेसिकली वीडियो बनाने के लिए ही है और जो वीडियो बनाने नहीं आते हैं वो देखने आते हैं बात तो सही है तो मैं भी आप लोगों को दिखाने आई हूँ कि ये एक्चुअल में दिखता कैसा है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैंने बताया था कि मैं बहुत देख रही थी वीडियो में बार बार आ रहा था मैं सोच रही थी कि है कहाँ और जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये दिखाना तो बनता है तो चलो देखते हैं जहाँ बात की जाए टिकट की तो टिकट का प्राइस जो है वो पर पर्सन 15 रुपीज़ है और वीकेंड्स में आपको ये यही टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन की मिलेगी अगर आप इसका टाइमिंग गूगल में चेक करेंगे तो आपको 11 बजे से 6 बजे तक टाइम दिखाएगा लेकिन यहाँ पे आपको 11 से 8 तक का टाइम रहता है आप 8 बजे शाम तक रह सकते हैं यहाँ पे तो चलो देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाइस नो डाउट है ना सुंदर छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो आप भी आइए आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए बेसिकली तो लिव लाइफ किंग साइज पर मैं क्वीन साइज जीऊंगी क्या बढ़िया था गुरु
यहाँ पे लोग वीडियो ही बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है एंड आई मीन ठंड लग रही है क्योंकि पता नहीं आज मौसम बारिश जैसा है। एंड बाइक से जब मैं आ रही थी ऊपर बाइक करके तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ थोड़ा वार्म तो पहन लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं निकल चुकी थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो चलो देखते हैं। दीदी नाराज हो जाएगी, देखो ये दीदी गुस्सा हो जाएगी, इसकी वीडियो लेना भेज देना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गलत बात है, कितना रोता है बाबा ये बच्चा। देखो गाइस यहाँ पे भी लोग वीडियो ही बना रहे हैं, फोटो शूट एंड वीडियोस एंड ऑल। काफी बड़ी जगह है एंड काफी सुंदर है। काफ़ी जगह भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा किसी के जाने का कि वो जाए तो आप वीडियो बनाओ। ये जो है ना इसके चारों साइड से बिल्कुल ये सेम सा दिखता है एंड मतलब इसी वजह से यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, एक जगह लोग गैदर नहीं होते हैं। ऐसा ही सेम दूसरे डायरेक्शन में भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइज हमने उस साइड तो देख लिया और अब हम जा रहे हैं आगे दूसरे साइड। ओके गाइज, तो उस साइड का तो मैंने पता नहीं क्या है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्टैचू तो नहीं बोलेंगे, पर जो भी है वो दूसरे साइड भी है। तो हम लोग मतलब सॉरी मैं जा रही हूँ आपको वो दिखाने के लिए एंड उसके बाद मैं ये कवर करूँगी, ये हम ऊपर जाकर देखेंगे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ी सी ठंड ठंड हो रही है। मौसम है बड़ा काफी, ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से हो रही थी तो मैं परेशान हो जा रही थी और मैं कहीं ब्लॉग बनाने के लिए जा नहीं पा रही, तो ये मौसम सही है और टाइम भी सही है। है वो दूसरे साइड वाला, जो भी कह लो, सब कह लो, स्टैचू कह लो, पर वीडियो आई के लिए ही है। मैं भी बनाऊंगी कुछ वीडियोस, शॉर्ट्स आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिख ही जाएंगे चैनल पे, और रील्स जो है मेरे इंस्टाग्राम का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उस पर मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर से करना।
तो इस साइड ज़्यादा भीड़ है, दौड़ते दौड़ते इसे वीडियो बना रहे और इस साइड भी दोनों साइड पार्क है जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस है एंड सुंदर भी। ये देखो लोग वीडियो बना रहे हैं। तो हमने दोनों साइड वाले स्टैचूज या सम जो भी बोलूं मैं हमने कवर कर लिया है एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ। गाइज आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड शाम को तो खैर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो वहाँ भी लोग वीडियो बना रहे हैं। बारिश की वजह से देखो फर्श कैसे गीला गीला सा हो गया है। बड़ा सन्नाटा है भाई, लगता है बारिश की वजह से बहुत कम लोग आए हैं। पर वो कम लोग में भी आपने देखा कि कितना भीड़ था, वो जो जहाँ पे मैं आप लोगों को ले गई थी वीडियो बना रहे थे लोग। पता नहीं मैं इतना क्यों फंबल करने लगती हूँ, बोलते बोलते फंबल करने लगती हूँ। ये देखो कूदने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस मुझे घूमते घूमते एक चीज़ मिली है तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाती हूँ। दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा। अच्छा जोक्स अपार्ट, तो ये मैंने आपको ये जो है यहाँ का सेंटर पॉइंट है और दोनों ही साइड वो स्टैचू कह लो सम कह लो मतलब वो भी। हाँ तो वहाँ पे लोग वीडियो बनाने आते हैं, यहाँ पे भी वीडियो बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे पूरा पानी पानी हो रखा है अभी एंड वहाँ पे पता नहीं क्या बन रहा है। मैं भी एक्साइटेड हूँ, मन तो कर रहा है जाके पूछ लूँ लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कार्य प्रगति पे है तो प्रगति होने दो, होना चाहिए। वाह मोदी जी वाह। तो गाइस आप लोगों को मैंने आज राष्ट्रीय दलित स्मारक दिखाई दिया है फाइनली। इस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह 10-10 हाथी बनाए हुए हैं बड़े बड़े काफी और काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। एंड ये जो है यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाई दिया कि अंदर कैसा है वो, जब आई मीन दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता नहीं है अभी, प्रगति पे है। बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप अपने फैमिली के साथ कहीं पिकनिक में आना चाहते हो
तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, इंजॉय कर सकते हो। रील्स बनाना चाहते हो या शॉर्ट्स बनाना चाहते हो या कोई व्लॉग बनाना चाहते हो तो आकर वो भी बना सकते हो। बस हाँ, कैमरा अलाउड नहीं है, आप अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा कैमरा मतलब कोई भी अच्छा फ़ोन जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छा हो उससे आप अपनी वीडियोज़ बनाओ, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा ना ही टोकेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद के लिए ही आते हैं। एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड मुझे अभी घर भी जाना है तो मैं बस दो तीन वीडियो शॉर्ट्स रील्स और शॉर्ट्स बनाऊंगी एंड बैक टू होम, क्योंकि फिर से बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शर्म कर लो, रील्स वालों तुम लोग तो सब्सक्राइब कर लो, जगह नहीं मिल रही होगी, देख रहे होगे स्क्रॉल करते करते। तो आप लोगों को अब तो पता चली गया कि कहाँ है मैं, इसका भी जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इंस्टा का जो लिंक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ वहाँ पे रील्स देखो और फॉलो करो, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दे, एंड ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब कर ही लोगे वो देख लो। पहले दंड बैठक कर रहे हैं, सब बोलो पुशअप्स। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो ये सब तो खैर यहाँ होता रहता है, यहाँ पे कॉमन है। आप भी आइए और ढेर सारी वीडियोस बनाओ और खूब सारा एंजॉय करो। और हाँ मैं बोल रही थी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, सपोर्ट करें अपनी खुशी को। और वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जल्दी ही मतलब आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी व्लॉग्स बनाऊँ। और या मैं भी खुश हो जाऊँ थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।